पर हम लोग दही के साथ पराठा खाते हैं। हमारी मम्मी ने शुरू से ही दही पराठा। हो चुका है फुल्को। हे एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, सबकी दुआओं से मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। सो मेरे रोज़े भी अल्लाह का शुक्र अच्छे गुजर रहे हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके रमज़ान कैसा जा रहा है, आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। यहाँ पर तो फिलहाल मौसम ठंडा है, कभी स्नो स्टार्ट हो जाती है, कभी बारिश। मौसम फिलहाल यहाँ का ठंडा है। और आप जहाँ से देख रहे हैं वहाँ का मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वहाँ का मौसम कैसा है। पाकिस्तान, सऊदी और दुबई में तो इतना मुझे पता है कि गर्मी है। बाकी आप जहाँ जहाँ से देख रहे हैं मुझे वहाँ का वेदर भी बताइएगा कैसा है और आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौसम ठंडा है, अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं, पता नहीं चल रहा, फील नहीं हो रहा इतना। वरना लास्ट ईयर तो गर्मी थी वहाँ पर काफ़ी ना, जब गर्मी में रोज़े थे तो लास्ट टाइम काफ़ी हमें फील हुआ था गर्मी में, क्योंकि गर्मी में दिन आपको पता बड़े हो जाते हैं और रोज़ा फिर काफ़ी लंबा हो जाता है। यहाँ पे एटलीस्ट लास्ट ईयर गया था 9:30 तक गया था, 9:15 और 9:30 तक गया थे अफ्तारी का टाइम जो था। अगर ठंडा हो ना मौसम तो फिर रोज़े का पता भी नहीं चलता, टाइम गुजर भी जाता है। और अगर गर्मी हो फिर तो रोज़ा लगता ही लगता है होपफुली, बिकॉज गर्मी में प्यास लगती है और पसीना वगैरह काफ़ी आता है, तो इस वजह से ना गर्मी में तो काफ़ी रोज़ा लगता है, इतना मुझे एक्सपीरियंस है। खैर मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो तब फुल सर्दी होती थी, जब हम तब हम पाकिस्तान में थे तो हम छोटे छोटे थे और रोज़े के लिए अम्मी में उठाती थी हम लोग ना मुँह हाथ धो के, यानी कि अम्मी ने उठाना कि उठो उठ के सहरी कर लो, सहरी का टाइम हो गया, तो हम लोग उठ के मुँह हाथ धो के फटाफट जाके दोबारा रज़ाई में बैठ जाते थे, रज़ाई को ऐसे शोल्डर पे कवर कर लेते कि सर्दी है, और फिर हम वेट कर रहे थे कि अम्मी की आवाज़ का अम्मी की आवाज़ आए और हम सहरी लेके आए। तो वो दिन भी काफ़ी मज़े के थे। और ये है कि हमें शुरू से ही ना हम लोग दही के साथ पराठा खाते हैं। हमारी अम्मी ने हमें शुरू से ही दही पराठे पे लगाया हुआ। खैर अब तो सबकी आदतें चेंज हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, कहने के कोई दही पराठा खाता है नहीं खाता, बट मैं अभी भी दही पराठे पे पकी हूँ। मैं दही पराठे के बगैर रोज़ा नहीं रखा जाता मेरे से, बस वो बचपन की आदत पड़ी हुई है ना, तो अभी तक नहीं गई मेरी आदत दही पराठे की। खैर जब इंसान छोटा होता है तो उसको उसकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि जी मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं बड़ा हो जाऊँ, मैं बड़े वाले काम करूँगा, मैं बड़ा बड़ा लगूँगा, ये वो। और जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि नहीं भाई जो था ना बचपन ही ज़्यादा बेहतर था। फिर इंसान सोचता है नहीं बचपन के दिन ज़्यादा बेहतर थे, कोई टेंशन नहीं थी, अपनी खेल कूद में मसरूफ़ थे, कुछ किया ना किया, बस बड़ा होकर आपको पता फिर जिम्मेदारियाँ काम ये बाद में, फिर इंसान कहता नहीं मैं छोटा ही सही था। यहाँ पे हो रहा जी हमारे सहरी का टाइम, आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी तो मैंने कहा चले आज जल्दी उठते हैं ताकि सहरी में कुछ और भी खाया जा सके, वरना पराठा और नहीं के अलावा कुछ नहीं खाया जाता मेरे से। इवन के अफ्तारी में भी मैं बहुत कम रोटी तो बहुत मुश्किल में खाती हूँ अफ्तारी में, ये खानी चाहिए बट क्या करूँ नहीं खाई जाती, दूध पी लो या खजूर खा लो या कुछ एक और चीज़ खा लो उसके बाद रोटी नहीं खाई जाती मेरे से बिल्कुल भी। और सहरी में फिर मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ कि चले सहरी करनी है और थोड़ा उठ के पानी वगैरह पी लें, थोड़ा सा वर्कआउट हो जाता है बंदे का उठ के ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करता है, मतलब तो भूख लगना स्टार्ट हो जाती है आपको। बट आप अगर राइट अवे पाँच 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले उठे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता वो, तो आप पानी पी लो ना और रोटी खाओ, रोटी बाहर आ रही होती है। और आज मैं सहरी में अपने लिए कुछ डिफरेंट ही बना रही हूँ। हाँ सहरी में बना रही कीमे का पराठा। कल हम गए थे अम्मी की तरफ तो वहाँ पे ना कीमा बनाया था मेरी भाभी ने पराठा, मतलब हमारे घर में ना कीमे की रोटियाँ काफ़ी ज़्यादा खाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं कीमे की रोटियाँ, ज़्यादा पसंद की जाती हैं। मेरे पापा ने वो काफ़ी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं तो वो बनाते थे कीमा, फिर उनसे जब सब ने खाना स्टार्ट किया तो अब हायर से मेरी भाभी ने भी सीख लिया, वो बनाती हैं।
तो फिर हमारे घर में बना हुआ था कीमा पराठों के लिए, तो इसलिए मैं वहाँ से ले आई कीमा। और मैंने कहा चलो सहेली में खाते कीमे का पराठा, क्योंकि सारी में तो वैसे खाया नहीं जाता, इसलिए फिर मैं सहेली में खाने के लिए ले आई हूँ। बल्कि अभी बना रही हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ कहा जी मैंने खाना सादा पराठा साथ करेले, क्योंकि मैंने करेले बनाए थे पहले, और आज की फरमाइश भी बनाए थे। मैं इतने शौक से नहीं खाती क्योंकि रोज़े हैं, आपको पता फिर रोज़ों में करेले खा लो और रोज़ा रख लो तो प्यास तो बहुत लगेगी। ना मैं सहरी में खाया ना अफ्तारी में खाया, बल्कि मैं अपने हिस्से के करेले भी अपनी अम्मी को ले आई थी। अम्मी मेरी अम्मी को बहुत पसंद आए थे, वरना उन्हें जल्दी कहीं खाना पसंद आता नहीं है। उनके मुताबिक नमक मिर्च होना तो फिर उन्हें पसंद आते हैं, यानी नमक कम मिर्च ठीक हो, ब्लड प्रेशर की पेशेंट ना। तो फिर अम्मी को करेले पसंद आए थे, मैं अपना हिस्सा भी अपनी अम्मी को दे, मैंने कहा आप खा लें। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपना कीमे का पराठा। ये देखें जी बना रही हूँ कीमे का पराठा, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। मैं वैसे भी हर तरह के पराठे बना लेती हूँ, चाहे कीमे का हो, आलू का हो, आलू मेथी, हर तरह के पराठे मैं बना लेती हूँ। ये है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है सब कुछ आता कुकिंग में, चाहे सालन हो, चावल हो, पराठे हो, जो मर्जी हो मुझे सब कुछ आता है। और सब कुछ मुझे इसलिए आता है, यहाँ कह लें कि मैं मेरी माँ की शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये सब कुछ सिखाया है, मेरे पे ज़िम्मेदारी डाली है और मुझे आता है। वरना लाड प्यार में आपको पता है कुछ भी नहीं मिलना, सीखता कुछ भी नहीं आता, तो बस इसी तरह टाइम गुजर जाता है। मेरा अल्लाह का शुक्र है मेरी अम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, चाहे वो रोटी है, सालन है, कुछ भी है। और यहाँ पे बना रही कीमे का पराठा, कच्चे कीमे का पराठा। पहले जब मैंने नया नया बनाया ना, तो कीमा अंदर से कच्चा रह जाता था, तो मेरी आदत थी शुरू से ही ना कि मैं जब आलू या कीमा, सॉरी कीमा नहीं, आलू के पराठे या मूली के पराठे या किसी भी चीज़ के पराठे बनाते थे ना, तो मेरी आदत होती थी काफ़ी ज़्यादा उसमें जो स्ट्रक्चर होता था ना इसका मिक्सचर, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डालती थी। मैंने कीमे का भी इसी तरह डाला तो जब कीमे की रोटी बनी ना, कीमा अंदर से कच्चा था, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी भाभी से टिप्पू चावल बनाती थी, तो उनके ना पके होते थे पराठे, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं कीमा थोड़ा थोड़ा डालना, पतली लेयर डालनी है, जिससे ये होगा कि कीमा अंदर से पक जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा कीमा डालना शुरू किया, और उससे ये था कि मेरे पराठे अच्छे बनना शुरू हो गए। आपको सब कुछ आता भी हो ना, फिर भी किसी ना किसी से टिप ले लेनी चाहिए, अगर आपको कुछ कोई चीज़ ख़राब हो रही हो, कोई सालन रोटी, कहते हैं मशवरा बंदे को दीवार से भी कर लेना चाहिए, वो भी काम में आ जाता है। इसीलिए जब आपकी कुकिंग में थोड़ी सी खराबी हो रही हो ना, तो किसी ना किसी से ज़रूर टिप लें, कोई ना कोई मशवरा आपको अच्छा दे देता है, और किसी का कहते हैं खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। सो बार दफ़ा जो अनट्रेंड बंदा होता है या कह लो कि नया नया होता है, उसका भी आपको मशवरा काम आ जाता है। बार दफ़ा जो इतना एक्सपीरियंस उनके पास होता है, उनका मशवरा भी फेल हो जाता है, क्योंकि लाइफ में चलता रहता है इस तरह ना। ये देखें जी, ये रहा मेरा कीमे का पराठा। आप देखें कहीं से भी मेरा पराठा फटा नहीं है, बिल्कुल गोल। ये देखें कैसा बना, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा मुझे कि पराठा कैसा बना है। पराठा मेरा हो चुका है फुल कुक, और ये देखें कहीं से भी नहीं फटा, कहीं से खुला भी नहीं है, काफ़ी यमी लग रहा। कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कौन कौन बनाते हैं कीमे के पराठे या कीमे की रोटियाँ, बताइएगा जरूर, मैं बनाऊंगी इसके साथ दही। दही नहीं मैं स्किप करती सारी में से, दही से ना मुझे दही बनाने की, दही से मुझे किस्सा याद आ गया। जब छोटे थे ना, तो दही मम्मी पहले बना के दे देती थी सारी में, और पराठे गर्मा गर्म होते थे, और जब जैसे जैसे मम्मी पराठे बनाती थी वैसे वैसे आवाज़ देती थी कि भाई आके पराठे ले जाओ। तो मेरी मम्मी के हाथ के पराठे वैसे ये है कि बहुत क्रिस्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे तो होते होते हैं, बट मेरी अम्मी के हाथ के पराठे, मैं पराठा बनाती हूँ इतना बड़ा पठान की तरह,
मेरी मम्मी के पराठे छोटे और क्रिस्पी होते हैं। वैसे छोटा पराठा बनता है बट मैं बनाती पड़ी हूँ, वैसे बड़े नहीं, छोटे बहुत मुश्किल बनते हैं। तो देख बात मैं किस आपको सुना थी कि ना अम्मी ने आवाज़ दी ना, भाई जाओ आके ना ले जाओ दही पराठा ले जाओ, दही हमारे के पास होती थी कमरों में। तो जिसने पराठा लेने जाना ना, तो पीछे से दूसरे बंदे की दही में हम लोग पानी, दही खा के ना उसमें पानी डाल देते थे। और एंड में पता क्या कहते थे, तुम्हारी दही देखो ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई है, उसको फील नहीं देते थे, पानी डाला। काफ़ी मज़े के दिन थे वो भी, काफ़ी अच्छे। सही बन गई और अब मैं उठाऊँगी आज को क्योंकि टाइम कम है। और आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कैसे, इनको सुलाओ कहाँ, ये सोते कहीं या उठते कहीं, मैं इसी तरह सोता है। अयास शायरी में 10-20 मिनट रह गए। अच्छा अच्छा नहीं 20 मिनट रह गए शायरी में उठ। तो ये है जी मेरी पूरी शहरी जिसमें पराठा, दही, करेले, मेरा कीमे का पराठा है, उसका सादा पराठा। सो यहीं पर मैं करती हूँ जी आज का व्लॉग एंड, बिकॉज आपको पता है शहरी के बाद फिर नमाज कुरान पढ़ना होता है, तो उसका मैं व्लॉग नहीं, मतलब कि उसको ऐड नहीं बीच में मैं करती। मिलते हैं मुझे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।